प्रशासन द्वारा फंसे हुए मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए एक विशेष ट्रेन चलाई गई है। नासिक साबरमती से चलाई गई इस स्पेशल ट्रेन में उत्तर प्रदेश के 50 जिलों से अधिक में रहने वाले लगभग 1000 से अधिक मजदूर इस ट्रेन में सवार होकर कानपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। स्पेशल ट्रेन के कानपुर सेंट्रल में रुकते ही प्रशासन चौकन्ना दिखाई दिया। पहले से ही रेलवे प्रशासन के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा और हर किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया। वहीं स्क्रीनिंग करने के बाद मेडिकल टीम द्वारा जांच कर इन मजदूरों को बस द्वारा उनके निवास स्थानों के लिए रवाना किया गया। ये साबरमती से कानपुर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई है। इसमें सारे विभिन्न जिलों के सब हैं यूपी के, और यहाँ गाड़ियों की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है, और इनका स्क्रीनिंग करने के बाद सारा डॉक्टर मेडिकल टीम बैठी हुई है। सब करने के बाद इनको जहाँ जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट के हैं वहाँ उनको भेजा जाएगा। कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की अवधि लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो मजदूर हैं वो जिन क्षेत्रों में फंसे हुए हैं उनको अपने घरों में वापस भेजने के लिए सरकार द्वारा एक ट्रेन चलाई गई है। इस वक्त हम कानपुर के घंटाघर में खड़े हैं जहां पर ये ट्रेन आई है, और इस ट्रेन को आप देख सकते हैं कि सैकड़ों मजदूर इस ट्रेन में सवार हैं और वो जो हैं कानपुर स्टेशन पर उतर रहे हैं, जिनको यहाँ पर उतरना है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ ये मजदूर जो है उतरे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखा दे कि कानपुर स्टेशन में प्रशासन कितना चौकन्ना है। लगातार जो प्रशासन है वो इन मजदूरों को अपनी निगरानी में ट्रेन से नीचे उतार रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करवा रहा है। उसके साथ साथ जो मजदूर हैं उनके पास भी कागज हैं। ये जो मजदूर यहाँ पर उतरे हैं इनकी जाँच होगी, उसके बाद ये अपने घरों को जा सकेंगे। और लगातार सरकार का यह प्रयास है कि लॉकडाउन के चलते मजदूरों को या फिर गरीबों को किसी भी तरीके की कोई भी समस्या ना हो, उसके तहत प्रयास कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से कानपुर शहर में संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसके लिहाज से प्रशासन लगातार सख्त रवैया अपना रहा है। ऐसे में आप सभी से अपील करी जाती है कि आप लोग घर पर रहें और सुरक्षित रहें। कानपुर से कैमरा पर्सन अमित गुप्ता के साथ सारिका गुप्ता, के न्यूज़ इंडिया।